जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनके अंदर एक तत्व PPA जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई और वो सेम मात्रा जो है एज ए प्रिजर्वेटिव वो हमारे जो फूड हैं प्रोसेस्ड फूड हैं जो बच्चों को आजकल बहुत दिए जा रहे हैं, चाहे वो मिल्क हो चाहे वो सीरियल्स हो, बहुत तरह तरह के हैं और पूरा मार्केट है बहुत बड़ा। हाँ जी, वो सेम चीज़ उसके अंदर भी है। तो पंचकर्मा के अंदर एक बस्ती ट्रीटमेंट होता है जिसको हम लैटिन के रास्ते पेट में डालते हैं। जो आपने सब बताया है ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है? 100% मेरे तो बहुत बच्चे जो चल नहीं पाते थे चलने लगे, बोल नहीं पाते थे बोलने लगे। कम से कम एक चम्मच या दो चम्मच वेट के हिसाब से देसी घी। क्या अगर एक साल का बच्चा है तो उसे क्या एक दो चम्मच? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर विजय वर्मा जी से जानेंगे ऑटिज्म और स्पीच डिले के बारे में, क्योंकि बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और अक्सर पेरेंट्स इसे इग्नोर करते हैं और फिर ये बाद में जाके बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हिमांशु जी। ये प्रॉब्लम ऑटिज्म होता क्या है? यस, ऑटिज्म जो है इसको अगर हिंदी का शब्द मान लें तो आत्म केंद्रित। जी, आत्म केंद्रित का मतलब है कि वो जो बच्चा है वो बस अपने चुपचाप बैठा रहता है। वो आपसे आंख से आंख मिला के बात भी नहीं करता। वो आसपास की सराउंडिंग के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। हाँ। जैसे लिस्टलेस, और ऐसा हो जाता है कि जैसे मिट्टी का लोधा। हाँ। और उसके जो माइलस्टोन डेवलपमेंट है वो भी स्लो हो जाते हैं। जैसे देर से बैठना, चलने में बहुत देरी होनी, कॉन्स्टिपेशन उसको रहते ही रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, लॉस ऑफ ग्रोथ फेलियर होता है। हाँ। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ इसको कहा है ऑटिज्म। इसमें कई सारे सिम्टम्स आते हैं। तो सर, ऑटिज्म के साथ साथ हम स्पीच डिले भी बच्चों में बहुत कॉमन देखते हैं। ऑटिज्म और स्पीच डिले अलग अलग है या दोनों एक ही है? देखिए, ये हमारा माइंड जो है ना ये ही सबको कंट्रोल करता है, चाहे वो स्पीच हो जो हम बोल रहे हैं, चाहे हमारे सुनने का हो, चाहे हमारे हाथ पैर का हो, तो सारा एक्शन ब्रेन से होता है। अब जो बेबी है उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है तो उसका ब्रेन डेवलप होता है। अब जब ब्रेन का कुछ हिस्सा अगर डेवलप नहीं हुआ, उसका स्पीच सेंटर जो होता है हमारे ब्रेन में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसकी जो लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं हो गई और उसकी जो मस्कुलर के जो न्यूरॉन्स हैं वो अगर नहीं हुए डेवलप, तो हर चीज़ स्लो डाउन हो जाएगी। कभी स्पीच डिफेक्ट होगा, कॉग्निटिव बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा, उसका जो मस्कुलर एक्टिविटी वो कम होगी, स्पोर्ट्स में ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है हमारा ब्रेन, जो बहुत सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस न्यूरॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये कनेक्शन जैसे जैसे बढ़ता है आदमी की इंटेलिजेंस बढ़ती है। हाँ सर, आपके पास जो ऑटिज्म के बच्चे आते हैं वो उनको सबसे ज़्यादा कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो पहले तो मैंने जैसे आत्म केंद्रित बताया। हाँ। तो उसमें लिस्टलेस होगा वो बच्चा, वो आपसे आंख से आंख मिला के बात नहीं करेगा, खिलौने भी रखे होंगे उससे नहीं खेलेगा, एक तरफ कोने में बैठा रहेगा, और स्पीच तो डिले होगी क्योंकि वो हम बोलेंगे वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। वहाँ बच्चे को बैठा दें, मुँह उधर कर दें, आवाज़ लगाओ तो सुनेगा ही नहीं। तो इस तरह का जो एक जैसे मिट्टी का लोढ़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, मतलब कम अटेंशन और रिस्पॉन्स रेट भी स्लो हो जाता है। सर, लेकिन कई बच्चे ऐसे देखे गए हैं ऑटिज़म वाले जो खेलते हैं तो केवल उसी में ध्यान रहता है। मान लीजिए आपके हाथ में पेपर है, अगर ऐसे किसी बच्चे के हाथ में कोई पेपर हुआ और हमने उससे छीन लिया तो सुनने में आया कि ऐसे वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और अजीब बिहेवियर करने लगता है, तो क्या वो भी ऑटिज़म है? यस, यूनिट्रैक माइंड हो जाता है जी। एक ही चीज़ को सोचते रहे, उसी पे करते रहे, जबकि हमारा माइंड तो मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन इसमें गजब बात यह है कि ऑटिज्म में बतेरे अभी बहुत सारे जो वेल नोन पर्सनस हैं वर्ल्ड में वो ऑटिज्म थे। अच्छा, आइंस्टीन तक ऑटिज्म था, जो एक चेस के बहुत बड़े प्लेयर थे बॉबी फिशर वो ऑटिज्म थे, बिल गेट भी ऑटिज्म थे, हैं चार्ल्स डार्विन, न्यूट्रॉन, ये ऑटिज्म, यानी ऑटिज्म वाले बच्चे बहुत। तो ऑटिज्म वाले बच्चे का ये मतलब नहीं है कि वो मेंटली वो होगा। हाँ। ये है कि उसकी जो एक ही फील्ड में वो काम कर रहा है उसी में सोच रहा है, उसी में आत्म केंद्रित हो गया, तो इंटेलिजेंस कम है ऐसा नहीं है। लेकिन उसका जो ब्रेन का कम्युनिकेशन है दूसरे जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, अब हम एक ही साइड में देख रहा हूँ, मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ और मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस।
मैं और कहीं मेरा दिमाग नहीं है, तो ये भी अच्छा है, लेकिन जब हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है उसके हिसाब से ठीक नहीं। सर अगर कोई बच्चा है उसके पेरेंट्स उसे बार बार किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं या उसे बार बार बुला रहे हैं और वो उनकी बात को इग्नोर कर रहा है और अब अपने काम में ही लगा हुआ, क्या ये भी ऑटिज्म है? यही तो बताया, वही तो बताया, आत्म केंद्रित अपने काम में ही वो लगा हुआ है। तो सर अगर पेरेंट्स तो क्योंकि है ना बचपन से यही सब देखते हैं और पहले होता नहीं था, वो मानते कि तो कॉमन है, बच्चे अपने काम में मगन रहते हैं, बच्चे चंचल रहते हैं, बच्चे सुबह शाम खेलते कूदते रहते हैं, इस चीज़ को कई सालों से लोग कॉमन मानते आए हैं, तो फिर माँ बाप कैसे पहचाने, क्योंकि कॉमन तो मान लिया। पहचानने को तो क्या है, जो और बच्चे हैं उनके हिसाब से देखेंगे, जब कंपेरिजन करेंगे देखेंगे हमारा बच्चा तो एक्टिव ही नहीं है, दूसरे बच्चे एक्टिव हैं, खेल रहे हैं, आप उसको गार्डन में ले गए पता चला वो बेंच में बैठा हुआ है देख रहा है, बाकी बच्चे खुल रहे हैं, इधर सब जा रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, वो चुप बैठा है, तो उनको एकदम से डाउट हो जाता है कि मेरे बच्चे में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। फिर वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो कहते हैं इसको ऑटिज्म है। लेकिन सर अगर बच्चे को बाहर ले गए वो बैठा हुआ है तो हो सकता है ऑटिज्म हो, लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा एक्टिव भी निकला तब भी डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये तो हाइपर एक्टिव हो गया। यस, वो क्या है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है सॉफ्टवेयर है और ये आपस में एक दूसरे से, ब्रेन के इतने सारे हैं वो कम्युनिकेट करते रहते हैं हमेशा, एक भी हमारे जैसे हम देख रहे हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव हो गया, साथ साथ हम देखो सुन भी रहे हैं, उधर गंगा के लहरों की आवाज़ भी आ रही है और इधर ये घास वगैरह, इधर स्मेल भी आ रही है, तो सारी चीज़ें एक साथ हमारे माइंड के अंदर जा रही है, इनपुट डेटा है ये, हैं ये इनपुट डेटा, अगर हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, उसके हिसाब से नहीं हम एक्ट करेंगे तो हमको खतरा भी है। खतरा यह है कि मैं सामने देख रहा हूँ लेकिन पीछे से कोई जानवर आ रहा है, अगर मेरा एक्टिव है माइंड एकदम से मैं देखूंगा क्या है कोई खतरे को, तो यहाँ पे ऑटिज्म जो है बहुत डेंजरस हो जाता है। अब इसके जो है बहुत सारे कारण हैं, कारण अब क्या कारण है कि अभी जो रिसर्च चल रही है ऑटिज्म के ऊपर, वो उन्होंने देखा है कि बहुत सारे कहते थे पहले कि भाई ये जेनेटिक है, फिर कहते थे कुछ जो जिस समय बच्चा पैदा होता है, जिस समय उसकी डिलीवरी होती है उस समय कुछ चेंज आ जाता है उसकी उसमें, या फिर जो माँ के पेट में होता है तो उसको ज़्यादा एंटीबायोटिक वगैरह ये सब दी जाती हैं, और एनवायरनमेंट। लेकिन अब नई चीज़ निकल के आई है 2019 में, एक ये रिसर्च आई जिसके अंदर ये देखा गया कि जिन बच्चों को आर्टिफिशियल फीड दिया गया था, आर्टिफिशियल मिल्क दिया गया था, उन बच्चों के अंदर जो था एक ऐसा फैटी एसिड्स है जिसकी मात्रा ज़्यादा होने पर ऑटिज्म होता है। अच्छा, हाँ, और उसका नाम था PPA, ये शॉर्ट चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि गट बैक्टीरिया चेंज हो जाते हैं। हाँ। हमारे गट के अंदर भी लाइफ है, हाँ, मैंने पूरा पहली वाली वीडियो में बताया है, और आप लोग सब देख सकते हैं एंटीबायोटिक वाली वीडियो में। अब ये गट बैक्टीरिया उन्होंने देखा कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनके अंदर एक तत्व PPA जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई, और वो सेम मात्रा जो है एज ए प्रिजर्वेटिव वो हमारे जो फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, जो बच्चों को आजकल बहुत दिए जा रहे हैं, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो सीरियल्स हों, बहुत तरह तरह के हैं, अब पूरा मार्केट है बहुत बड़ा, हाँ जी, वो सेम चीज़ उसके अंदर भी है, वही उसके अंदर है, तो वो हमारे अंदर के बैक्टीरिया को चेंज करते हैं, और जब बैक्टीरिया चेंज होते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन निकलते हैं, जैसे मैंने बताया ऑटिज्म के लिए कि हमारा जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है वो एक दूसरे को कनेक्शन होता है ब्रेन का, लेकिन वो कनेक्शन करने के लिए इधर से उधर सिग्नल जाने के लिए न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जी, जैसे बिजली का कनेक्शन इधर से उधर जा रहा है तो उसके बीच में केमिकल के ट्रांसफरेंट जिसको डोपामाइन कहते हैं, सीरोटोनिन कहते हैं, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं जी। अब उन बच्चों में देखा गया कि इनके गट बैक्टीरिया में चेंज होने की वजह से जो भी PPA फैटी एसिड्स थे तो उसमें सीरोटोनिन बना तो खूब, वो ब्लड में भी खूब आया लेकिन वो ब्रेन में नहीं पहुँचा, तो यहाँ पे ब्रेन में डिफिशेंसी हो गई उस हार्मोन, जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं जी, ये हार्मोन का जिक्र मैंने पहले भी वीडियो में किया था एंटीबायोटिक वाले, तो उसमें क्या हो गया कि उनके ब्रेन का डेवलपमेंट रुक गया। अब उसमें कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ,
उनका ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विटामिन डी की कमी आ गई। अब इसका संबंध ऑटिज्म का अप्रूव हो रहा है कि गट के बैक्टीरिया जो चेंज हो गए, गट में हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो लाइफ है, वो चेंज हो गई और उसके कारण से, और हम सन में जाते नहीं, अभी बच्चे जो हैं अधिकांश जो है घर में रहते हैं, सभी लोग घर में रहते हैं, स्कूल भी जाएगा तो एयर कंडीशन बस में जाएगा, स्कूल के अंदर भी एटमॉस्फेयर वो होगा, बचा के रखते हैं हम नेचर से, जबकि हम इस मिट्टी में देखेंगे तो जीव हैं। हाँ, यहाँ से हवा, अब इनसे अगर हमारा मिलन नहीं होगा, ये हमारे अंदर नहीं जाएंगे, हमारे एक नॉर्मल जो बैक्टीरिया फ्लोरा है वो नहीं बनेगा, तो हम इससे अलग हो जाएंगे जी, और अलग होकर आत्म केंद्रित हो जाएंगे। ये एक सीधा सिद्धांत अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारा जो बच्चे का डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। खाना पीना चेंज कर दिया हमने, हम प्रोसेस फूड और इस सब के और डब्बा बंद इन सब के ऊपर ज़्यादा आधारित हो गए, जबकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर। वैसे सर, किस एज में ऑटिज़म की शुरुआत हो जाती है? शुरुआत तो जिस दिन पैदा हुआ बच्चा और उसके बाद जैसी ग्रोथ करने लगा उसी समय हो जाती है। अच्छा। लेकिन दिखता कब है? अब जैसे ये पौधा है, इसके अंदर कीड़ा तो अभी लग गया, हाँ। तो हमें दिखाई दे रहा, लेकिन जब इसकी पत्ती बननी शुरू हुई, हाँ। और जब इसमें आपने छेद देखने शुरू कर दिए, जब देखा पत्ती इसकी मुड़ गई, मुरझा रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तब आपको समझ आया कि भाई कुछ चीज़ लगी हुई है इसके अंदर। हाँ। तो इसका मतलब इसके जड़ के अंदर कोई चीज़ है, वो जड़ के अंदर कोई बैक्टीरिया या फंगस या वायरस वो इन्फेक्शन हो गया, तो हमारी जड़ जो है ना हमारी इंटेस्टाइन है, तो इस इंटेस्टाइन में जब ये चेंज आना शुरू हो जाता है तो ब्रेन में चेंज आना शुरू हो जाता है। हाँ, और एज के साथ साथ फिर वो दिखना शुरू होता है, चला जाता है। तो सर, वैसे तो बहुत कॉमन है जैसा आपने बताया ऑटिज़म, और ये भी बताया कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ और एंटिटीज़ को भी ऑटिज़म था, लेकिन वो आज इतने सक्सेसफुल हैं, लेकिन फिर भी अगर ऑटिज़म को समय रहते ट्रीट नहीं किया गया तो कितना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सबसे पहले तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा जीवन में, स्ट्रेस को भी फेस नहीं कर पाएगा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी स्लो डाउन हो जाएगी, तो ये तो पर्सनैलिटी डिफेक्ट में भी आ जाएगा। हाँ। और वो इनसिक्योर भी रहेगा, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आँखों में आँखें डाल के बात कर रहा हूँ, आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, सुनने के बाद आप चिंतन कर रहे हो, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस तो ख़त्म। हाँ। तो जब वो ख़त्म तो वो पूरा आइसोलेटेड हो जाएगा। वो बात जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे थे ऑटिज्म पे निकला उन्होंने देखा, लेकिन अधिकांश तो नहीं है, रेयर ऑफ द रेयर है ये तो। हाँ, ये तो बहुत है ना। तो लेकिन अधिकांश लोग क्या हो गए, वो एंटी सोशल एक्टिविटी में आ जाए, वो अपराधी भी बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है। तो ये तो समाज के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी और उनके अपने लिए भी एक बहुत बड़ा घातक बीमारी है। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऑटिज़म या ऑटिज़म को समय रहते ट्रीट नहीं किया गया तो ये बाद में इनके लिए प्रॉब्लम तो बनेगा ही, क्या ऐसा भी होता है कि ऑटिज्म वाला इंसान किसी और की बात सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं, उसे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही बिल्कुल है। बिल्कुल, यही तो हो रहा है आजकल। क्योंकि आप देखिए, नॉलेज जो है कम्युनिकेशन से आती है। हाँ जी। आपने मेरे साथ कम्युनिकेट किया, हमने आपकी बात सुनी, मैंने जवाब दिया। हाँ। मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप हमारी बात समझ रहे हैं, तभी तो आप मेरे को ने इतना फॉलो किया है कि 1.5 मिलियन तक आपने पहुँचा दिया और इतने कॉल आए, क्योंकि जब हम ट्रूथ बोलते हैं तो उनके दूसरा समझता है, और दूसरी जितनी नॉलेज उसके पास है उसके हिसाब से उसका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। हाँ। तो वो सोचता है कि ये आदमी सही है कि गलत है। हाँ। ये जो सही और गलत की पहचान है ये ऑटिज्म में कैसे आएगी? हाँ, ये भी है। बच्चा जब ग्रोथ होगा उसको ये नहीं समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वो गलत गलत काम करता रहेगा, आप उसे समझाने की कोशिश करोगे उसको समझ में नहीं आएगा, और वो फिर एंटी सोशल बन जाएगा। एंटी सोशल हो जाएगा। तो सर, ये इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है तो फिर, और इतना कॉमन भी है, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है मेडिकल साइंस में? देखिए, मैं तो एलोपैथी में चाइल्ड स्पेसिस्ट हूँ, आपको पता ही है, और हमारा जेपी हेल्थ पैराडाइज इसको पंचकर्मा से ठीक करता है। अच्छा, पंचकर्मा से ऑटिज्म का इलाज करते हैं? ऑटिज्म का इलाज करते हैं, और ये प्रूव्ड हो चुका है। अच्छा। क्योंकि जो गट बैक्टीरिया हैं, तो पंचकर्मा के अंदर एक बस्ती ट्रीटमेंट होता है जिसको हम लैटिन के रास्ते पेट में डालते हैं। मेरी अगर अपनी मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे जेपी हेल्थ पैराडाइज में, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को आप टेस्टिमोनियल की तरह से देखेंगे। हाँ। जो बच्चे ठीक हुए, तो उससे क्या होगा, इसको हमने नाम दिया पर रेक्टल न्यूट्रिशन। और ये पर रेक्टल न्यूट्रिशन क्या है? कुछ नहीं है, एक छोटी सी नली से लैट्रिन के रास्ते दवाई डाल देते हैं। हाँ। और उससे अंदर का बैक्टीरिया चेंज हो जाता है, जिसके अंदर घी भी है,
जिसके अंदर दूध भी हो सकता है, जिसके अंदर ऑयल भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, वो अंदर जाके बॉडी में फैल जाती हैं और हमारा अंदर का सिस्टम चेंज होने लगता है। उसके साथ हम दूसरा काम करते हैं, डाइट चेंज कर देते हैं। डाइट के अंदर जैसे ज़्यादा जो शुगरी चीज़ है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बच्चों में चॉकलेट बहुत चॉकलेट आइसक्रीम पास्ता ये दुनिया भर की जो है डेयरी प्रोडक्ट्स और योगर्ट वीट प्रोडक्ट्स प्रिजर्व्ड मीट प्रोसेस फास्ट फूड चिप्स क्रंचेस कुकीज सारे के सारे नुकसान करते हैं। मतलब जो भी नेचुरल है वो खाया जाए, बस नेचुरल खाया जाए। दूसरा बनाओ, तीसरा सबसे और दूसरा कारण क्या है उसका, जो हम फैटी एसिड्स ले रहे हैं वो फैटी एसिड्स क्या आते हैं, जो प्रोसेस्ड और आपके रिफाइंड ऑयल्स हैं। जिस बात को मैं लगातार कहता चला, ये सारी चीज़ मिलके हाई फैट हाई शुगर हाई कार्बोहाइड्रेट और प्रोसेस्ड रिफाइंड ऑयल ये हमें नुकसान कर रहे हैं जी। और चौथी चीज़ क्या है कि हम डिफिशिएंट हो गया कि हम सन की तरफ नहीं जा रहे, सन जो हमें एनर्जी देता है तो उसकी वजह से बीमारी होती है। अब आपने जैसे सोल्यूशन ढूंढा तो मैंने एक सोल्यूशन नंबर वन बताया पंचकर्मा बस्ती। दूसरा सोल्यूशन है डाइट चेंज। डाइट चेंज के अंदर आपने शुगर बंद कर दी बिल्कुल। शुगर है तो वैसे रॉ फॉर्म में गुड़ ले लिया या आपने खजूर ले लिया मुनक्का ले लिया इस तरह की चीज़ें नेचुरल चीज़। और वाइट शुगर तो बिल्कुल दूर बिल्कुल बंद कर दिया। और स्नैक्स में आपने बहुत सारे बीज है, तिल है अलसी है तरबूज के बीज हैं या खरबूजे के बीज हैं या चिरौंजी है पिस्ता है बादाम है, इनके साथ प्रोटीन भी जाएगी और ऑयल भी जाएगा, इनको बना के दे दो। तीसरी चीज़ है कोई भी तेल का बढ़िया से मालिश करो और उसको धूप में वो सन बात कपड़े उतार के आप ये देखेंगे 15-20 दिन के अंदर ही उसके अंदर अंतर आने लगेगा। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सन से कनेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। शुरू के उसमें मैंने बताया कि विटामिन डी की कमी होती है और हमारा जो ये रॉन्ग फैटी एसिड PPA है वो अंदर होता है। अब विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए हम सन में बैठते हैं, लेकिन सन में बैठने से पहले हमारी बॉडी में गुड क्वालिटी का फैट जाना चाहिए। इसलिए हम सुबह को कम से कम 1 चम्मच या 2 चम्मच वेट के हिसाब से देसी घी। क्या अगर सर 1 साल का बच्चा है तो उसे क्या 1-2 चम्मच? नहीं, अब ये यहाँ पे है उसकी वेट के हिसाब से। सपोज 10 किलो का बेबी है तो आधा चम्मच दीजिए। अच्छा, आधा चम्मच। 20 किलो का बेबी है तो उसको 1 चम्मच दीजिए। 30 किलो का है तो 3 चम्मच दीजिए। तो 3 चम्मच बहुत होती है, बहुत होती है मैक्सिमम। और उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च मिला लें और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला लें तो उससे क्या होगा कि एकदम से हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया चेंज होने लगे और इनके जो फैटी एसिड्स बनते हैं जो कि अनसैचुरेटेड फैट है ये हमारी बॉडी में जो घूमना शुरू करेगा उसके बाद जब वो धूप पड़ेगी तो ये फैट जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल जो बनता है ये विटामिन डी का प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर माने जैसे एक रॉ मटेरियल है तो धूप पड़ने पे विटामिन डी बनना शुरू हो जाएगा और जब विटामिन डी बनेगा तब हमारा सीरोटोनिन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये एक ऐसी साइकिल है, इधर घी पिया मालिश किया धूप की सिकाई करी और उधर हमारा सीरोटोनिन बनना शुरू कर दिया, उधर ब्रेन के अंदर पहुंच गया, प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई। साथ में थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लेते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत वो ज़रूरी भी है सर। कई डॉक्टर कहते हैं, मतलब कई जगह बच्चों के ऑटिज़म के ट्रीटमेंट में ना लाखों रुपए भी खर्च हो जाते हैं, जो आपने सब बताया है ये कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है? 100% मेरे तो बहुत बच्चे जो चल नहीं पाते थे चलने लगे, बोल नहीं पाते थे बोलने लगे। इसमें तो मैं हैरत हूँ कि इतना अच्छा रिस्पांस हमारे आयुर्वेदिक के बस्ती पंचकर्मा में, बस्ती मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है जी, जो कि पर रेक्टल देते हैं। और ये तो अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी वो लोग ये कर रहे हैं बस्ती। लेकिन बस्ती नहीं कर रहे हैं, वो आयुर्वेद को नहीं अभी अपना रहा है ना, उनको अभी इसको पता है। वो डाइट चेंज कर रहे हैं। डाइट चेंज कर रहे हैं, डाइट चेंज करके उन्होंने ये चेंज किया। और तो और फीकल तक खिला रहे देते हैं, दूसरे का फीकल मैटर जो है लास्ट वीडियो में बताया था। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट किया गया उन्होंने देखा कि जो आर्टिज्म के बच्चों का फीकल निकाल के उसका घोल बना के और चूहों को दिया गया तो चूहों में भी आर्टिज्म जैसे लक्षण आ गए, तो बैक्टीरिया की वजह से लक्षण आ गए। तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमारी अगर गट बढ़िया है, हमारे अंदर विटामिन डी वगैरह अच्छे बन रहे हैं, हम सन से कनेक्टेड हैं और डाइट अच्छी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अब जहाँ तक आयुर्वेद वाली बात है, तो आयुर्वेद तो एक खाली एक दवाई नहीं है, आयुर्वेद एक पूरा सिस्टम है। तो उसमें कुछ जैसे ब्राह्मी बहुत इफेक्टिव है, शंख पुष्की ब्राह्मी, इसकी बहुत सारी वो आती हैं, प्रिपरेशन आती हैं, और बहुत से दूसरी चीज़ें हैं जो हम लोग उसको देते हैं। सबसे मेन बात सर, हर कोई जानना चाहता है ये, क्या ऑटिज़म घर पे ठीक हो सकता है बच्चे का? बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब हम हमारे पास जैसे बच्चे आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो यहाँ नहीं रह सकते हैं 10 दिन 15 दिन, तो हम उनकी मदर को सिखा देते हैं कि तुम इस तरह से ट्रीटमेंट पंचकर्मा अपने घर पे कर लो। हाँ। कैसे दवाई डालनी है पेट में, बहुत आराम से प्रोसेस है बस्ती का। उसमें हम उसको ट्यूब, उसको सिरिंज, उसको दवाइयाँ जो उस बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट हैं, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग दवाई, हाँ जी, वो हम उसको दे देते हैं, वो घर में करते रहते हैं। और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, बहुत कम है। हाँ, और तो और वो खाली इसी के लिए नहीं, ऑटिज्म के लिए, ग्रोथ प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा है ये पंचकर्मा। और जो बस्ती पंचकर्मा है, चिल्ड्रन में बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, और ख़ासकर मेरी नॉलेज में एज ए एलोपैथिक पीडियाट्रिशियन के अंडर में तो मुझे अभी मुश्किल है, हम मिल नहीं रहा हमें। सर, जैसे अभी हमने कहा था कि ऑटिज़म ठीक हो सकता है, लेकिन मैं गूगल पर सर्च कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे शायद कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखा ऑटिज़म ठीक हो सकता है। गूगल पर हर जगह यही लिखा हुआ है कि ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, बस मैनेज कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं। अब मैं तो, मेरे पास तो टेस्टिमोनियल्स हैं जी, मैं कैसे कह दूँ उसको। हाँ, क्योंकि कई बार लोग सर्च भी करते हैं, किसी से पूछते भी हैं ना, तो सब हमारे पास सारा डॉक्यूमेंटेशन है। हमारी वेबसाइट पे कुछ केसेस भी मिल जाएंगे आपको जो ठीक हो गए, चलने लगे, उनके टेस्टिमोनियल्स हैं। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि ऐसा है, और ये ट्रीटमेंट अभी बाहर निकल के आएगा। हाँ, धीरे जो हमारे पास और ज़्यादा एविडेंसेस डेवलप हो जाएंगे, जैसे कोरोना के टाइम पे आयुर्वेद कितना ज़रूरी है वो सामने आया। बिल्कुल है, तो ऐसी उसकी आपको वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी हम बताएंगे। हाँ। किस तरह से हम ठीक कर रहे हैं। तो सर, आपके जो अब तक का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आप ऑटिज़म के जो बच्चे हैं जो इससे जूझ रहे हैं, उनके माँ बाप को क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनके लिए एक तो पहले होपलेस बिल्कुल ख़त्म करो, होपफुल हो जाओ, इसको डरो मत, उसके बारे में और स्टडी करो। और जो ये मैंने बताया चार चीज़ें आपको, कि सुबह उठ के कितना घी देना है, वेट के हिसाब से देना है, मालिश करके धूप में देना, और डाइट चेंज करो, और साथ में अगर हो सकता आप लोग पंचकर्मा कराओ, आप देखोगे कि एक ही महीने के अंदर उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा, 15-20 दिन के अंदर। हाँ, अब जैसे एज अगर कम होगी, सपोज़ 1 साल का बच्चा मेरे पास आया तो बहुत जल्दी रिकवर करेगा, लेकिन 5 साल का बच्चा आता है तो स्लोली रिकवरी, लेकिन रिकवरी 100% होती है, 100% रिकवरी होती है जी। मतलब जितना लेट करेंगे रिकवरी का टाइम उतना बढ़ता जाता है। कोई चीज़ ज़्यादा ख़राब है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा ठीक होने में, वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऑटिज्म कोई भी बीमारी हमारे सामने नहीं है, हम नहीं कह सकते किसी भी हालत में जो मेरे पास रिजल्ट्स हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसका 100% इलाज है आयुर्वेद में है, पंचकर्मा में है, और बस्ती में विद डाइट्स, क्योंकि आयुर्वेद कोई एक दवाई नहीं है कि एक हम शंख पुष्पी अब्राह्मी और ये दे, नो, इट इज़ होल सिस्टम। अब जब हम यहाँ बैठे हैं, गंगा पीछे बह रही है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, आज आपने कहा कि गंगा के किनारे बनाओ, तो अभी आप देखो सब चीज़ें हैं ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ। अब हम ये कहते हैं कि इस पत्ते को निकाल के ये आयुर्वेद नहीं, इसमें पृथ्वी भी आ गई, इसमें जल भी आ गया, इसमें ये जो पेड़ वृक्ष हैं ये भी आ गया, ये पशु पक्षी का सब चीज़ आ गया। तो अगर हम आयुर्वेद को देखेंगे तो उसका प्राण एक है। आयुर्वेद तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर, कॉम्बिनेशन नहीं है, इंटरकनेक्टिविटी, और उसका एक प्राण है जिसको आप सूर्य से कनेक्ट होते हैं, सूर्य को एक प्राण है, इसलिए उसको देवता माना गया है। इसी को तो कहते हैं एक ओंकार। एक ओंकार है क्या? एक ही चीज़ से सारी चीज़ जुड़ी हुई है। हाँ जी। और इस प्रकृति के अंदर शक्तियाँ हैं, वो शक्ति क्या है, जैसे आप सामने देख रहे हैं चंडी देवी जी, पहाड़ के ऊपर क्यों बनाई, उधर मनसा देवी पहाड़ पर क्यों बनाई, क्योंकि एकांत में जाके, और जितने भी मंदिर मिलेंगे या तो नदी के किनारे मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं, वो हमको ये सिखाते हैं कि इस नेचर के अंदर शक्तियां हैं, इस पावर हैं, और वो पावर हम बुद्धि विवेक से जान जाते हैं, यही साइंस है, यही विज्ञान है। और उन्होंने अब यहाँ पे ये इतनी सारी जड़ी बूटी लग रही है, देखिए आप, अकरकरा ये लग रहा है, ये छोटी कटेरी लग रही है, ये आपका भांग लग रही है जिसे सटाइवा कहते हैं। तो अभी भांग की बात कर रहे हैं, ये TCH इसका जो ऑयल है, अभी कनाडा में इसमें रिसर्च हुई, इट्स ए एक्सीलेंट फॉर द ब्रेन ग्रोथ, और ख़ासकर एपिलेप्सी के लिए और अटेंशन डिफिशियंसी सिंड्रोम के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ से निकल के आई हैं। हाँ। तो कैसे कह दें कि इसका इलाज नहीं है भाई? अगर किसी को कोई इग्नोरेंट है, नहीं जानता है, तो मैं वो तो उसकी वो सीख ले आके यहाँ पे। हाँ, ये बात है।
तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑटिज्म जैसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश की ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके इससे। नहीं, और मैं पूरे उनको, एक तो आपको धन्यवाद दूं, आपने बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हो और हमको तो आपने बहुत इधर उधर फैला दिया। तो मेरा तो ये है कहने की बात कि आप हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए और उसको देखिए और उसको समझिए, और यू आर मोस्ट वेलकम, आप व्हाट्सएप कीजिए तो मैं आपको जवाब भी दूंगा। और ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं या बस्ती है पंचकर्मा, कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, ये बात भी है, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो इसलिए डर तो बिल्कुल निकाल दो दिमाग से, बिल्कुल आज से ही मैं कहता हूँ डर निकाल दो और नेचर को समझो, साथ में गंगा जी है, आशीर्वाद है, नेचर से जुड़ो, नेचर से जुड़ो, और जो ठीक होता जाए मैं तो उसको ये कहता हूँ पेड़ लगा दो, अपने पेड़ लगा दो। तो सर आपको बहुत बहुत, अब हमें बचना है तो नेचर से बचा, नेचर से जुड़ना पड़ेगा। तो सर आपका धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं सर की बताई इन्फॉर्मेशन आपको ऑटिज़म का ट्रीटमेंट करने में बहुत मदद देगी और शायद आप घर पे ही समझ पाएँ कि आपका बच्चा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और जैसा कि सर ने बताया है कि नेचर के करीब रहो, प्रकृति से जुड़े रहो और जो भी नेचुरल डाइट है उसका ही सेवन करो और पैकेट वाली चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दो। तो हो सकता है आपकी ऑटिज़म क्या, शायद कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी हेल्थ से जुड़ी हुई। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देने का ताकि आप फिट एंड फाइन रह सके। और अगर आप सर से भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हर वीडियो की तरह डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको कांटेक्ट नंबर और एड्रेस मिल जाएगा। धन्यवाद।